गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो खास ही एक बहुत ही खास राइड हम प्लान कर रहे हैं। प्लान एक्चुअली हो चुकी है। 29th of October को हमारी वो राइड स्टार्ट है। एंड राइड है वो हमारी K2K। नॉर्मल कोई K2K होने नहीं वाली कि हम रुकते रुकते जा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे शुभम भाई, ऋषभ एंड नितेश भाई। ये भाई हमेशा राइड के लिए रेडी रहते हैं। आज संडे नहीं है, आज दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली बोलो भाई। हैप्पी दिवाली एवरीवन। सो हैप्पी दिवाली। कल आज छोटी दिवाली, आज 18th of October है। एंड हमारी राइड है K2K। ये कोई नॉर्मल राइड नहीं है एक्चुअली। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो टाइम बताएगा कब कैसे क्या होता है। तो गाइज, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड लास्ट ईयर बनाया था, रोहित नाम से हैं कोई, उन्होंने बनाया था हीरो माइस्ट्रो एच पे। तो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी 143 आवर्स में करा था। एक्चुअली उन्होंने राइड जम्मू से स्टार्ट की थी, नॉट प्रॉपर कश्मीर, बट जम्मू एंड कश्मीर सेम स्टेट है। तो हाँ, वो सेम ही माना जाता है। लेकिन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जवाहर टनल से आगे। एक टाइटेनिक व्यू पॉइंट है जो कि जहाँ से प्रॉपरली कश्मीर स्टार्ट होता है, हम वहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जो हमारा एस्टीमेट हमने लगाया वो 120 आवर्स के आसपास में हम ये राइड प्लानिंग कर लेंगे। हो सकता है इससे भी कम में कर लेंगे। राइड कुछ ज़्यादा नहीं है, 36 किलोमीटर है वन साइड का। 3600 किलोमीटर सॉरी वन साइड। एंड अभी हम यहाँ से निकलेंगे 29th को, अक्टूबर को, यहाँ दिल्ली से। दिल्ली से जाएंगे पहले अपना जो जवाहर टनल की साइड में कश्मीर बनिहाल, जो हमारा पहला स्टॉप होगा वो होगा या तो जम्मू या फिर बनिहाल। बनिहाल ठीक है। एंड वहाँ से राइड स्टार्ट करेंगे। फिर 3600 किलोमीटर है एंड नॉन स्टॉप राइड होगी ये। हम कहीं हॉल्ट नहीं लेने वाले, होटल वगैरह लेके स्टे नहीं लेने वाले इस राइड में। शुभम जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, ऋषभ जा रहा है एंड एक और भाई है हमारे, वो भी यहाँ पे नहीं है, दीपक भाई। आप मेरी सांभा वाली वीडियो में देख सकते हैं उन्हें, उन्होंने काफ़ी वहाँ हमारी हेल्प भी की थी। सो वो हमारे साथ जा रहे हैं। वो जा रहे हैं एक एक्टिवा 125 पे, मैं अपनी अप्रीलिया पे एंड ये अपनी जुपिटर पे। एंड व्हाट्स मोर, बाइक का अभी डिसाइडेड नहीं है। बाइक का अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसका अभी डिसाइडेड नहीं है कि कौन सी स्कूटी पे जा रहा है। एक्चुअली इसने सरप्राइज रखा हुआ हमारे लिए, हमें भी नहीं पता है कौन सी पे जा रहा है। ठीक है। सो हमारा जो फ्लैग ऑफ टाइम है वो 29th अक्टूबर को नाइट को होगा, अराउंड 10 o'clock। यस, अराउंड 10 o'clock हम यहाँ से निकलेंगे जम्मू के लिए, जम्मू या फिर बनिहाल यहीं पे, या फिर उधमपुर भी रुक सकते हैं, वो पता टाइम बताएगा कहाँ रुकना है। लेकिन अभी तो प्लान यही, फिर वहाँ जाके पूरा हम रेस्ट लेंगे अराउंड 1 or 2 days का। फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी राइड के कश्मीर कन्याकुमारी के लिए, प्रॉपर कश्मीर से टाइटेनिक व्यू पॉइंट से कश्मीर कन्याकुमारी के लिए नॉन स्टॉप। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कहीं भी जो हमारा रूट है वो हमारा अभी रूट मैप अब शुभम भाई बताएंगे। बताइए भाई। रूट कश्मीर से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ, तो हम फर्स्ट आएंगे दिल्ली, आफ्टर दिल्ली आगरा, आगरा से झांसी, ग्वालियर, देन सागर मध्य प्रदेश में, एंड फिर है हमारा नागपुर। नागपुर मतलब महाराष्ट्र का थोड़ा सा ही स्ट्रेच होगा। नागपुर से हम सीधा जाएंगे हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद वी विल गो टू बैंगलोर एंड देन लास्ट स्टॉप विल बी कन्याकुमारी। सो ये हमारा रूट मैप है। एंड जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस राइडर है इस रूट पे, हम उनसे सब कुछ पता कर चुके हैं कैसी वेदर कंडीशन होने वाली है उस टाइम पे, हम सब कुछ पता कर चुके हैं। वैसे उसी हिसाब से हमने प्रिपरेशन किया। वेदर तो हमें ऑलमोस्ट हर तरीके का मिलेगा, क्योंकि ऊपर ठंड होगी, नीचे गर्मी होगी। हाँ, नीचे बहुत हो, बीच में ज़बरदस्त गर्मी होगी। बारिश तो नहीं मिलेगी। बारिश मिल चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस है बारिश। हैदराबाद साइड, अभी हैदराबाद का आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, वहाँ फ्लड टाइप हुआ है अभी भी। ओके देखते हैं बाकी। सो वो जो भी है वो टाइम का कुछ नहीं पता, वेदर बारिश नहीं पता। अब मैं बोलूँ, बोल भाई, बोल भाई, तू बोल ले, बोल भाई, जल्दी बोल। कि मुझे इस राइड के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं है, रूट के बारे में शुरू को ज़्यादा पता है। थोड़ा लाउड बोल ले भाई। लाउड बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है, बोल लेना। मैं ऐसा बोल जा रहा हूँ, पानी पिलाने वाला आशीष को इसके बारे में बोल दो, बोलना। सो गाइज, एक चीज़ और कि मैंने इस वीडियो में इसलिए कुछ नहीं ज़्यादा बोला क्योंकि इन दोनों भाइयों को ज़्यादा नॉलेज है। सो जो भी है इन्हीं दोनों को पता है। और क्या कहते हैं, मैं सबसे यंगेस्ट राइडर होऊंगा अगर मैंने ये किया तो, गियरलेस पे किया तो करना है। हाँ, किया तो वही एक ही बात है। पड़ेंगे बेटा। सो या
और ये राइड हम 2 महीने से प्लान कर रहे थे, लास्ट 2 मंथ से, 2 मंथ से ना. हाँ तो एक्चुअली मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था, उस टाइम मैं लद्दाख की राइड पे था, उसी टाइम में मैंने सोच लिया था कि नेक्स्ट राइड ये होगी. एक और राइड है जो कि नेक्स्ट ईयर है अराउंड मई और जून में, वो मैं डिस्क्लोज बाद में करूँगा. वो राइड मैंने प्लान वहीं की थी लेह में ही, और ये कश्मीर टू कन्याकुमारी ये भी राइड मैंने वहीं प्लान की थी, बट ये शुभम ने कहा कि चलो अब करते हैं, तो कर रहे हैं अभी. एंड आप जो भी अपडेट्स होंगे हमारे, उनके लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, प्रशांत वन लाइफ टू ट्रैवल डॉट प्रशांत मेरे इंस्टा हैंडलर है. एंड फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वन लाइफ टू ट्रैवल डॉट प्रशांत फेसबुक पे भी सेम हैंडलर है. एंड ये भाई अपना बताएंगे. मेरा इंस्टाग्राम पे गाइस हैंडल है gaur_s शुभम का है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं. ऋषभ का आपको पता ही होगा, डेली बाइकर ऋषभ. अपडेट्स के लिए आप हम तीनों को फॉलो कर सकते हो, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, K2K का जो हमारा मैप है, इस बम्बई ने पहले कई दिन पहले बनवा चुके हैं. सो ये मैप है, एक ये जा रही है जुपिटर, साथ में ये लद्दाख भी गई थी, एंड एक ये है, एंड एक है एक्टिवा 125. दीपक भाई अभी यहाँ पे है नहीं, अभी हम हैं राष्ट्रपति भवन के यहाँ पे. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड हमारा जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, सपोर्ट करो गाइस, सपोर्ट और शेयर करो जितना ज़्यादा. बाय.